हाय गाइस, हैप्पी दशहरा, हैप्पी विजयदशमी। आज हम लोग जा रहे हैं बालाजी रामलीला देखने प्रणव भैया के साथ। प्रणव भैया हमारे नेबर हैं जो वहाँ पे बहुत ही सुंदर म्यूज़िक देते हैं और हम आपको उनका म्यूज़िक सुनवाएंगे भी। बहुत ही सुंदर, बहुत ही मीठी आवाज़ है उनकी। हम एग्जैक्ट 5:15 बजे पहुँच गए थे और अभी इतना रश नहीं था। ये है रावण, मेघनाथ और कुंभकर्ण के पुतले। और ये जो सारी तैयारियां ना गाइस, ये बालाजी रामलीला कमेटी ने सिर्फ 2 दिन में करी है। सिर्फ 2 दिन में कुछ इशू हो गया था वहां पे, कोई केस वेस हो गया तो बता रहे थे। मैं और सिर्फ मोहक ही गए थे, मम्मा पापा नहीं, क्योंकि पापा को लाउड म्यूजिक अलाउड नहीं है और यहाँ पे लाउड म्यूजिक होता है। सबसे पहले हुई थी गणेश वंदना और उसके बाद प्रणव भैया ने बहुत ही सुंदर राम भजन गाया था। हम यहाँ पे अपनी नूडल्स एंजॉय कर रहे हैं, खाना खाते खाते हमने रामलीला देखी। के नाम बिना रे मूरख, राम के नाम बिना, राम के नाम बिना रे मूरख, राम के नाम बिना, जल जाए जीवा पापनी, राम के नाम बिना, जल जाए जीवा पापनी, राम के नाम बिना, राम नाम के बिना रे मूरख, राम के नाम बिना, राम के नाम बिना रे मूरख, राम के नाम बिना, जल जाए जीवा पापनी, राम के नाम बिना, जल जाए जीवा पाप। बालाजी रामलीला को रस्तोगी जी होस्ट करते हैं और काफी अच्छी होस्ट करते हैं। इसके बाद हुआ था लेजर लाइट शो, जो फर्स्ट टाइम किसी रामलीला में दिखाया गया। ये सारे ना स्मोक के ऊपर विजुअल्स बन रहे हैं, ये स्मोक छोड़ रहे थे उस पर विजुअल बन रहे थे। मैं आपको सॉन्ग्स नहीं सुना सकती वरना कॉपीराइट आ जाएगा। इस पर काफी सारे अच्छे अच्छे उन्होंने सॉन्ग्स पे थीम लगाई हुई थी और इन्होंने उसके बाद रामायण भी दिखाई थी लेजर लाइट से। अवधपुरी यानी अयोध्या में रघुपति शिरोमणि दशरथ नाम के राजा राज करते थे। ऐसे ही पूरी रामायण शॉर्ट फॉर्म में दिखा दी थी लेजर लाइट पे, काफी अच्छा कॉन्सेप्ट था। दुर्भाग्यवश उन्हें एक और फिर यहाँ पे एक और नई चीज की, चंद्रयान 3 को ड्रोन के जरिए लॉन्च किया, मतलब वो प्राउड मूवमेंट को दिखाने के लिए। यहाँ पर कोई नेता भी आए थे बीजेपी का, मैं नाम भूल गई इनका, उनका मान सम्मान भी किया इन्होंने। उसके बाद फाइनली रावण की एंट्री हुई। यहाँ पर वो सीन चल रहा था जब रावण अही रावण को याद करता है कि आप चुरा के ले जाओ राम लक्ष्मण को, युद्ध ही ना हो पाए।
है इस लंका में, एक एक करके सारे शूरवीर वीर गति को प्राप्त हो रहे हैं। ये क्या हो रहा है? हनुमान जी ने अहिरावण का वध कर दिया था और राम लखन को सुरक्षित वापस ले आए थे। उसके बाद राम रावण युद्ध विभीषण से पूछ रहे हैं रावण को कैसे मारा जाए, और विभीषण उन्हें बता रहे हैं कि रावण को मारने का तरीका क्या है। तो आप सबने वो कहावत तो सुनी ही होगी, घर का भेदी लंका ढाए। रावण ने कहा था कि श्री राम आप इसलिए जीत गए क्योंकि आपके पास लक्ष्मण जैसा भाई था, और मैं सिर्फ इसीलिए हार गया क्योंकि मेरे पास विभीषण जैसा भाई था। तो विभीषण जैसा भाई किसी को ना मिले, लक्ष्मण जैसा भाई मिले। भगवान श्री राम ने रावण का अंत कर दिया और अब होगा रावण दहन।
रावण दहन के बाद श्री राम की आरती हुई थी। भैया रामायण की आरती गा रहे हैं, सुनिए, बहुत ही सुंदर है। आरती श्री रामायण जी की, आरती श्री रामायण जी की, कीरत कलित ललित सिया भी की, आरती श्री रामायण जी की, गावत ब्रह्मांडिक मुनि नारद, गावत ब्रह्मांडिक मुनि नारद, वाल्मीकि विज्ञान विशारद, वाल्मीकि विज्ञान विशारद, सुख संसादेश देश अनुरीति, आरती श्री रामायण जी की, कीरति कलित ललित सिया भी की, आरती श्री मनहरणि विषय रस पीति, सुभग श्रृंगार मुक्ति जुपति की, हरणि रोग भव मुरिय में की, तात मात सब विधि तुलसी की, आरती श्री रामायण जी की, कीरति कलित ललित सिया भी की, आरती श्री रामायण जी की। उसके बाद हम लोगों ने खाए थे लोटन जी के छोले कुलचे, जो कि बहुत ही फेमस है, और मुझे एक बार ट्राई भी करने थे। मोहक ने बोले दुकान वाला स्वाद नहीं था, मोहक खा चुका है एक्चुअली अपने दोस्त के साथ पहले, बट मैंने फर्स्ट टाइम ट्राई किए थे तो मेरे को उतना मज़ा नहीं आया सच बताऊँ तो, जितना मैंने सोच रखा था, जितना मोहक ने तारीफ कर रखी थी। सो गाइज, अब चलते हैं घर, एंड आज के व्लॉग में बस इतना ही। आई होप आपको पसंद आया होगा तो लाइक करेगा, शेयर करेगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।